ये है मेरा नेफ्यू उबैद एंड जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ यू ही इज हैविंग हिज एग्जाम्स दीस डेज. चार दिन से कमरे के अंदर बंद हूँ. चार दिन से कुछ भी नहीं किया. फेंट हो गया था आज सुबह में. सच बताओ? हाँ, चार घंटे सोए हूँ सुबह. इसको देख के मुझे अपना टाइम याद आ रहा है. अबे नौकर, तेरा ए आ गया. तेरा ए कैसे आ गया? ए स्टार भी आ गया. अच्छा भाई, एक काम करो, अब बुक खोल लोगे ना, अब आप मुझसे बुक खोलते खोलते एकदम से पूछना कि चाचू आप कैसे पढ़ते थे. यार एलजेब्रा अपना अच्छा मैथ्स कैसे पढ़ लिया करते थे. माइक सही है, आवाज़ चेक कर लो एक बार. मेरा नाम नवीद अनवर है और अगर आपने अपने एग्जाम्स में रिजल्ट्स अच्छे लेके आने तो उसके लिए मेरे पास एक फार्मूला है. एक ऐसा फार्मूला जिसको इस्तेमाल करके मैंने अपने ए लेवल्स के फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के बी को सेकेंड ईयर में ए स्टार कर दिया था. जानना है फार्मूला क्या है? क्या हाल है ब्रो? पूरी जिंदगी अच्छे रिजल्ट्स मेरे आते तो रहे, लेकिन कैसे आ रहे मेरे इतने अच्छे रिजल्ट्स कैसे? वेल अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड्स. पढ़ाकू बच्चा, इसको तो पढ़ने का बहुत शौक है, ये बहुत स्मार्ट है. जहाँ तक पढ़ने के शौक की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं था. मेरे लिए भी एग्जाम्स का टाइम उतना ही डिप्रेसिंग टाइम होता था जितना अभी आप लोगों के लिए हो रहा है. एक इंतहाई टेंशन शुदा ग्लूमी टाइम, हर जगह अंधेरा, दिल चाह रहा है भाग जाऊं यहां से कहीं, बस भाग जाऊं. कब आएगी वो सुहानी सुबह? और दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात कि हाँ स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है. स्मार्ट लोग इस तरह केमिस्ट्री में गुमशुदा नहीं रहते भाई. केमिस्ट्री वॉज ऑलवेज माई वीकेस्ट सब्जेक्ट. आई हेटेड केमिस्ट्री. Never paid attention in class, couldn't pay attention in class. तो जब मेरा A levels के first year में chemistry में B आया तो भाई मैं पागल हो गया, मतलब जीत गए, पार्टी करो पार्टी. मैंने बिल्कुल expect नहीं किया था कि मेरा B आ जाएगा, मतलब best scene ever. अब मुझे खाली इस B को maintain करना है second year में A levels के, और maintain तो कर ही लूँगा, मतलब इसमें क्या है, टेंशन मकावा. क्लास में ज़िंदगी फुल चिल्ड आउट हो गई. ना तो क्लास में पढ़ना, ना गौर करना, और क्लास टेस्ट फेल हो जाए क्या फ़र्क पड़ता है उससे, बी तो मेंटेन कर लेंगे बाद में, टेंशन नहीं है. इफ ही फेल्स वन मोर क्लास टेस्ट आई एम मेकिंग हिम प्राइवेट. माई टीचर हैड कॉल्ड माई पेरेंट्स. अबे यार ये एकदम से केमिस्ट्री की बहुत टेंशन आ गई यार, फजूल में. शिट, पढ़ना पड़ेगा. पढ़ो. गॉट पास दिस टेस्ट, गॉट स्टडी, टेस्ट इन 3 days. शिट. करा के क्लास टेस्ट मैंने पास कर दिया. लेकिन चलो, हालांकि क्लास टेस्ट पास हो गया और ये कंफर्म हो गया कि मैं स्कूल से एग्ज़ाम दूंगा, एक चीज़ मेरे जहन से जा नहीं रही थी कि मेरे पेरेंट्स को कैसे बुलाया. यू सी, माय पेरेंट्स हैड नेवर बीन कॉल्ड टू स्कूल, सो दैट डे व्हेन दे वर कॉल्ड आई कुड सी के यार ये डिसअपॉइंटेड हैं, आज इनका दिल टूटा है. तो भाई ये बात जो है ना आपके भाई के दिल पर लग गई, बस समझो लग गई, दिमाग से निकल ही नहीं रही थी बात ये भाई. पीपल वर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम्स व्हाइल आई वाज जस्ट सिटिंग एट माय डेस्क एंग्री, एंड द बेस्ट पार्ट इज मैंने केमिस्ट्री की बुक्स खोली और मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई अब केमिस्ट्री को फाड़ फूड के फेंक देना है. दिन रात एक कर दी, आसमान फाड़ पढ़ाई कर डाली मैंने केमिस्ट्री की भाई, मतलब वो घंटों. इतना पढ़ा कि जब मैंने एग्जाम दिया तो मैंने अपने केमिस्ट्री के बी को ए स्टार कर दिया, और जाकर मैंने अपने रिजल्ट्स की शीट अपने टीचर के टेबल पे फेंकी कि और बुलाओ मेरे पेरेंट्स को, तुम बुलाओ तो बुलाओ ना. मजाक कर रहा हूँ, मतलब
फेंके नहीं जाके, तमीज से प्यार मोहब्बत से दिखाए के देखें सर। लेकिन डिड यू सी हाउ डू आई डू इट? इट्स प्रीटी सिंपल। माय फ्रेंड्स आर अटैच्ड अ लॉट ऑफ लेबल्स के यार पढ़ाकू बच्चा है, स्मार्ट है, बट दे मिस्ड द रियल पॉइंट। स्टडी मोर एंड मोर। बट देन अ लॉट ऑफ पीपल गो लाइक के यार ज़्यादा पढ़ें कैसे, मतलब मेरा तो अटेंशन स्पैन ही इतना सा है और फोकस ही नहीं होता, दो मिनट में डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, कैसे ज़्यादा बैठ के कैसे पढ़ा जाए, पढ़ा ही नहीं जाता। वेल सच बताऊँ तो दैट हैज़ ऑलवेज बिन मी। मतलब दुनिया में इस तरह के लोग बहुत हैं जिनको, जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, जिनका टेंशन स्पैन बहुत बड़ा होता है, वो आराम से घंटों घंटों पढ़ लेते हैं विदाउट एनी टेंशन। लेकिन हम लोग अनफॉर्चुनेटली उनमें से नहीं है। हम लोग वो लोग हैं जिनको लंबा फोकस करने के लिए सुपर नेचुरल हेल्प चाहिए होती है। विच ब्रिंग्स मी टू माई रियल पॉइंट। इफ ही फेल्स वन मोर क्लास टेस्ट आई एम मेकिंग हिम प्राइवेट। यू सी जब उन लोगों ने मेरे पेरेंट्स को बुलाया तो मेरे अंदर एक ऐसी जगह खतरनाक आग लग गई कि मैं ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू हो गया, मुझे फील भी नहीं हुआ। लेट मी एक्सप्लेन। द वे आर एजुकेशन सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड, वी एंड अप हेटिंग आर पढ़ाई। मतलब हमें पढ़ाई बोरिंग लगती है, थकन होती है, और एग्जाम पीरियड तो भाई वर्स्ट होता है। मतलब शिट लोड्स ऑफ स्टफ टू कवर इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, पागलों वाला प्रेशर, ना तो सही से खाना, ना तो सही से सोना, हेल्थ पता नहीं कहाँ जा रही है, एंड इफ वी डोंट गेट अ गुड इनफ ग्रेड आर एंटायर करियर कुड बी इन जेपर्डी। जब हम अपने एग्जाम्स दे रहे होते हैं तो हम वर्स्ट फॉर्म ऑफ मेंटल प्रेशर से गुजर रहे होते हैं, giving our all to read, learn and memorize things that we just don't care about. उस वक्त और उस उम्र में the only thing जिसके लिए हमारा सब कुछ हाजिर होगा, हमारी सारी energy दिल से उस पर लगेगी और हमारा focus straight maintained होगा, the only thing, the people we care about. If the people you care about get involved in whatever shit you're doing, तो भाई फिर इंसान वो कर जाता है जो कभी सोच भी नहीं सकता था। अगर आप चाहते हैं कि जब आप पढ़ाई करें तो आपकी distractions ख़त्म हो जाए सारी और आपका focus एक तीर की तरह straight जाए और dedication आप में कूट कूट के भर जाए, then you have to align your purpose with something personal. There's no other way. You have to align it with something personal. जो आपके दिल में, दिल का मामला है। तो मैं आपसे पूछता हूं, अगर तो आपके अच्छे ग्रेड्स आ गए तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या अचीव करोगे? या अगर आपके अच्छे ग्रेड्स ना आए तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या खोगे? आस्क योरसेल्फ। एंड ऑन दैट नोट, तख़लिया।